दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी हार्ड ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रही या कोई प्रॉब्लम कर रही है या फिर सेटअप में शो नहीं हो रही तो इसकी कुछ रीजन होती हैं और ये बहुत सी रीजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं जिसकी वजह से आपकी हार्ड ड्राइव प्रॉब्लम करती है। तो उसकी रीजन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। रीजन नंबर वन ये होती है कि आप अपनी हार्ड ड्राइव को देखें, इसके कनेक्टर्स को चेक करें, कोई डैमेज तो नहीं है या फिर कनेक्टर में कोई लूजिंग तो नहीं है। रीजन नंबर दो, हार्ड ड्राइव की साटा केबल को चेक करें या फिर हार्ड ड्राइव के पावर कनेक्टर केबल को चेक करें। और रीजन नंबर थ्री ये होगा कि अगर सब कुछ ओके है तो फिर आपके पास अब बचता है सिर्फ हार्ड ड्राइव का पीसीबी कार्ड। इसको आप देखें, इसको आप चेक करें। और मेरे पास जो हार्ड ड्राइव है इसका प्रॉब्लम भी सेम है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसका प्रॉब्लम बस यही है कि ये डिटेक्ट नहीं हो रही, सेटअप में शो भी नहीं हो रही। और इसको मैं ओपन करता हूँ और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और अब मैं इस कार्ड को ओपन कर लेता हूं और अब हम इस कार्ड को चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें अब क्या प्रॉब्लम है। और ये यहाँ पर जो आप कार्ड देख रहे हैं, इस जो इसका मीडिया कनेक्टर होता है इसके ऊपर कार्बन आ गई है और बहुत ज़्यादा डस्ट है। और एक रीज़न ये भी होती है जो पॉइंट्स होते हैं जो आपको देख रहे होंगे और ये इसके ऊपर कनेक्ट होते हैं, और जब इसके ऊपर कार्बन आ जाए या डस्ट आ जाए या नमी आ जाए तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अब मैं इसको साफ कर लेता हूँ कार्टन के साथ ताकि ये कार्बन और डस्ट सारी साफ हो जाए। और ये हार्ड ड्राइव का मोटर कनेक्टर होता है, इसको भी मैं अच्छी तरह साफ कर लेता हूँ। ये सब करने के बाद मैं इस कार्ड को दोबारा अपनी हार्ड ड्राइव में लगा देता हूँ। और लगाने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 15 पिन पावर कनेक्टर है, इसको भी अच्छी तरह आप साफ कर लें। और इसके साथ 7 पिन डाटा कनेक्टर होता है जो इसमें साटा केबल लगती है, और इसको भी आप अच्छी तरह साफ कर लें। और ये सब करने के बाद अब अपनी हार्ड ड्राइव को इंसर्ट करें कंप्यूटर के अंदर और इसको सेटअप में चेक करें। डिटेक्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर तब भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो फिर इसका पीसीबी कार्ड होता है इसका प्रॉब्लम है। और आप नेट पे सर्च कर सकते हैं सेम मॉडल का हो और आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।